13 वर्षीय आदित्य के अपहरण, फिरौती और फिर हत्या के मामले में अब परिजनों व पुलिस के बीच विवाद हो गया है। वहीं पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक रहे हरजीत सिंह बब्बू परिवार के समर्थन में उतर आए हैं। बुधवार को धनवंती नगर में बब्बू अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस को जैसे ही इसकी खबर लगी तो आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बब्बू का कहना था कि जिन पुलिस वालों ने लापरवाही की है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, साथ ही मामले की गहनता से जांच होगी तो और भी पहलू खुलेंगे। पश्चिम विधानसभा में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना में जबलपुर शहर कांप गया है। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जिससे बोला नहीं जा सकता। उसमें हर प्रकार से पुलिस की गलती थी, पुलिस के कारण हुआ है। हर चीज का टाइम मिला, मतलब अगला आदमी फोन में फोन कर रहा है उसको लोकेट नहीं कर पाए, और लोकेट करना चाहिए तो लोकेट क्यों नहीं किए इनने, और बच्चा मिल जाता। पूरी गलती। और टीआई के बारे में बड़ा गंदा है कि व्यवहार ठीक नहीं था, किसी को गाली भी बकी टीआई ने, माँ बहन की सब बोल रहे हाँ माँ बहन गालियाँ बकी टीआई ये बताएंगे भाई पूरी, मतलब टीआई गाली महिलाओं के महिलाओं गाली बकना अच्छी बात है, और 3 साल से लगातार है क्षेत्र से संभल नहीं रहा था। लगातार हम लोग कह रहे थे उनको बदलो बदलो बदलो, लेकिन सरकार हमारी बीच में नहीं थी। उसके बाद हमने आज धरना दिया है, संक्षिप्त छोटा था। उस धरने के बाद अगर मेन मुद्दा है जिस कार में हत्या हुई है वो कार पुलिस वालों की थी और पुलिस वालों की कार से हुआ है, तो उस पुलिस वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिस पुलिस वाले ने किया है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं है? ठीक है वो नहीं था, अगर किराए से गाड़ी थी तो आखिर गाड़ी तो उसकी थी, तो कार्रवाई होना चाहिए। उस पर हम लोगों ने आज धरना दिया है और कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया है। धरने की क्या मांग थी, क्या विषय? शांतिनगर चौक पे पूर्व मंत्री बैठे हुए थे, बब्बू भैया बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी भी कोई विशिष्ट मांग नहीं की है। उनकी मांग ये है कि उनके परिवार को हमारे एसपी साहब और राजीव साहब को थाला जाए और जो उनकी समस्याएं हैं बैठ के बात करें, अन्य कोई विशिष्ट बातें नहीं की है। धरना शांतिपूर्ण रहा और सहयोगात्मक रहा। लगातार थाना प्रभारी की आरोप लग रहे हैं, हटाने की मांग कर रही है, ये बात संज्ञान में है वरिष्ठ अधिकारियों के और समय रहते निर्णय लिए जाएंगे। तो किडनेपिंग कार की बात आ रही, पुलिस वाले की किसी नाम ले रहे हैं, वो जांच के विषय जांच जारी है। साहब ने 2 बजे बुलाया है इनको, आजी साहब और साहब ने 2 बजे बुलाया है कंट्रोल रूम, तो उनका परिवार और कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि जाएंगे और बात करेंगे हमारे एसपी साहब से।